प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रताप यादव की मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं। तेज प्रताप यादव के दरअसल मिट्टी घोटाले की जांच बिहार का विजिलेंस विभाग करेगा। पटना में बन रहे लालू प्रसाद यादव के परिवार के मॉल की बात करें, इनके बेटे का मॉल है जिसकी मिट्टी चिड़ियाघर को बेची गई थी। तेज प्रताप यादव के पर्यावरण मंत्री रहते हुए मॉल की मिट्टी चिड़ियाघर को बेची गई थी और इस पर अपने दर्शकों को बता दें इस पर मुश्किलें कैसे बढ़ सकती हैं बताएंगे मेरे सहयोगी शिव पूजन झा। बताइए शिव, मामले को सुशील मोदी ने जी उजागर किया था और जब तफ्तीश हुई तो शुरुआती तफ्तीश में पता चला कि बिना किसी टेंडर की प्रक्रिया के मिट्टियां जो है तेज प्रताप के बन रहे मॉल से उठाई गई और उन मिट्टियों को चिड़ियाघर में जिसका अमाउंट तकरीबन 90 लाख रुपए के आसपास बताया जा रहा है इसे चिड़ियाघर को बेच दिया गया। तो तमाम नियमों को ताक पे रखा गया था और इसी बाबत विजिलेंस अब एक पूरी इंक्वायरी इस पे कर रहा है कि आखिर नियमों को ताक पे कैसे रखा गया, टेंडर की प्रक्रिया क्यों नहीं फॉलो की गई और एक व्यक्ति विशेष को इसका लाभ क्यों पहुंचाया गया। गौरतलब है कि चूंकि तेज प्रताप उसी मिनिस्ट्री से ताल्लुक रख रहे थे, उसी मिनिस्ट्री के मिनिस्टर थे, इसी बाबत जो है ये मुहैया कराई गई थी ये तमाम मिट्टी वहां से मॉल से उठा करके। तो अब इस पर विजिलेंस एक इंक्वायरी कर रहा है और इंक्वायरी की रिपोर्ट जल्द ही सौंपी जाएगी सरकार को। अच्छा, वहां पर किस तरीके के हालात वहां पर बने, विजिलेंस विभाग के क्या अधिकारी वहां पर पहुंचे हैं, क्योंकि लालू एंड फैमिली की धीरे धीरे मुसीबतें बढ़ती चली जा रही है। बहरहाल पॉलिटिकल फ्रंट पर अगर आज पटना हाईकोर्ट के फैसले का सबको इंतजार है, वहीं दूसरी तरफ परिवार के लिए दिक्कतें कम होने का नाम नहीं ले रही है। निश्चित रूप से परिवार के लिए दिक्कतें जो है कम होने का नाम नहीं ले रही है। ईडी की इंक्वायरी हो, ईडी की इन्वेस्टिगेशन हो, ईडी की एफआईआर हो, सीबीआई की इंक्वायरी हो, एफआईआर हो और दूसरी तरफ इनकम टैक्स और अब फिर विजिलेंस, यानी कि चौतरफा गिरते हुए नजर आ रहे हैं लालू प्रसाद यादव और उनका पूरा का पूरा परिवार। देखिए पूरे मामले ने राजनीतिक तुल निश्चित रूप में यहाँ पर लिया है। एक अपील भी की गई है हाईकोर्ट में कि जिस तरीके से नीतीश कुमार को निमंत्रण दिया गया सरकार बनाने के लिए, तो ठीक है मैं आपसे अपडेट लूंगी। एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता देते, आय से अधिक संपत्ति का मामला है और अभी अपडेट ये आया है कि दोनों बेटों की मुश्किलें किस तरीके से बढ़ सकती हैं, क्योंकि आय से अधिक संपत्ति मामले में जांच के आदेश दे दिए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रहे, बिहार की आर्थिक अपराध इकाई इस मामले में जांच करेगी। शिव, इस खबर बाबत अपडेट दीजिए। यह इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है वो इस पर इन्वेस्टिगेट करेगा और एक के बाद एक हम देख रहे हैं कि केस किस तरीके से खुल रहे हैं। एक तरफ विजिलेंस की इंक्वायरी हो रही है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की इंक्वायरी हो रही है, सीबीआई की इंक्वायरी हो रही है और फिर अब हम देख रहे हैं कि इनकम टैक्स की, यानी संपत्ति भी सीज हो सकती है क्या? बिल्कुल हो सकती है, संपत्ति भी सीज हो सकती है। इसके पहले ही नीतीश कुमार ने क्लियर कर दिया था कि भ्रष्ट अधिकारी हूं या भ्रष्ट नेता हूं उनकी संपत्ति जब्त करके उसमें स्कूल खोल दिए जाएंगे और इस बाबत बहुत सारे अधिकारी नब्बे भी थे और बहुत सारे अधिकारियों के घर को और दूसरी संपत्तियों को जब्त करके नीतीश कुमार ने उसमें स्कूल भी खुलवाया था। तो बहुत संभावनाएं ये भी है कि अगर इंक्वायरी रिपोर्ट में ये सामने आ जाती है बात की तो ये गलत तरीके से इख्तियार की गई थी तो शायद उसे जब्त भी किया जा सकता है। बिल्कुल, बिहार के इस घटनाक्रम पर नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहे।